अभी तक हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन सा पार्ट हमारा प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना जाता है और कौन सा पार्ट हमारा चार्ज माना जाता है। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें जो हम प्रॉफिट ले आते हैं वो आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर एप्रोप्रिएशन लगाते हैं। तो यानी ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। जैसे यदि पार्टनरशिप डीड में है तो हम सैलरी कैसे कितना प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं या फिर कमीशन कैसे निकालते हैं, कुछ पार्ट यदि जर्नलिज्म में डालना है तो हम जर्नलिज्म में कैसे डालते हैं, या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के टॉपिक को समझते हैं। ड्रॉइंग पार्टनर्स जो फॉर्म से कोई पैसा या कोई एसेट्स यदि विड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी गुड्स यदि विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के पर्पस से, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। ये दो तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है, ड्रॉइंग फ्रॉम द कैपिटल एंड ड्रॉइंग फ्रॉम द प्रॉफिट। यदि कैपिटल से विड्रॉ किया गया है तो इस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता, लेकिन यदि प्रॉफिट से विड्रॉ किया गया है तो फॉर्म इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। पार्टनरशिप डीड में तय है तो, यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन किया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया गया है या रेट नहीं बनाया गया है तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना हो तो हम कैसे चार्ज करेंगे, इसमें ड्रॉइंग की कई कैटेगरी हमने बना दी है समझने के लिए, आपकी बुक में नहीं होगा लेकिन फिर भी मैंने बताई है। फर्स्ट नंबर, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ विद डिफरेंट डेट। यदि पार्टनर्स जो है अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं अनइक्वल, मतलब कभी कोई कभी कोई, वो भी डिफरेंट डेट अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं। सेकेंड, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एंड गिव टोटल ड्रॉइंग आर गिवेन विद पर एनम इंटरेस्ट रेट, टोटल ड्रॉइंग आर गिवेन विदाउट पर एनम इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। एंड नेक्स्ट नंबर आता है यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ, यानी एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं मंथली या क्वार्टरली। यदि अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डेट पे तो इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से हमारा फार्मूला बन जाता है, सिंपल मेथड से टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12 इंटू मंथ्स अपॉन 12। जितना उन्होंने विड्रॉ किया डिफरेंट डिफरेंट डेट पे यदि वो विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल उन्होंने जितना विड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग ड्रॉइंग के अलग अलग हम निकालेंगे। जैसे कि मान लो 1 जनवरी में विड्रॉ कर रहे हैं, 31 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हैं, फरवरी में विड्रॉ कर रहे हैं, मार्च में विड्रॉ कर रहे हैं, हर एक ड्रॉइंग के अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे, जितनी उनकी ड्रॉइंग है, जितना रेट है रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स, जितने मंथ हो रहे हैं। जैसे जनवरी में विड्रॉ किया, ईयर एंडिंग हमारा मार्च है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स में, तो 3/12 सिंपल हुआ ये। जितने भी विड्रॉ होंगे सबका निकालेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। यही प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट मेथड से हमें फार्मूला बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यहां पे क्या बन जाएगा, इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड दोनों का फार्मूला हो गया। सिंपल मेथड से निकालना है तो जितनी ड्रॉइंग हो, ड्रॉइंग ले लो, टोटल ड्रॉइंग नहीं, ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। यदि 5 बार विड्रॉ किया गया है तो 5ों बार के हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे सिंपल मेथड से और प्लस कर देंगे, वो कहलाएगी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसे यदि प्रोडक्ट मेथड से निकालना है तो फार्मूला बन जाता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे क्वेश्चन पर डिपेंड करके। नेक्स्ट नंबर आता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट नंबर आता है आपका, फर्स्ट हो गया जिसमें था अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डेट में, एंड सेकेंड नंबर आ रहा है टोटल ड्रॉइंग आर गिवन विद अ
पर एनम इंटरेस्ट रेट, यानी टोटल इतना विड्रॉ किया उन्होंने, कोई डेट गिवन नहीं है, लेकिन रेट जो है हमारा पर एनम का रेट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग, जितनी ड्रॉइंग हो, ड्रॉइंग इंटू रेट, जो भी रेट है, अपॉन 100 इंटू 6/12। एंड नेक्स्ट नंबर है टोटल ड्रॉइंग आर गिवेन विदाउट पर एनम इंटरेस्ट, यही सेम चीज है। इसमें हमारा रेट जो दिया था पर एनम का रेट दिया था, इसमें पर एनम का रेट नहीं दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100, यानी यहाँ पे हम मंथ नहीं लगाएंगे। यदि तीन कंडीशन में पढ़ा हमने, एक जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेट पे, तो हम दो मेथड से निकालते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, दोनों का फार्मूला लिखवा दिया, इसे क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करेंगे। टोटल दूसरा है आपका टोटल ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है, कोई डेट नहीं गिवन है, बट इंटरेस्ट जो है पर एनम का रेट दिया है, तो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, क्योंकि हमने एवरेज ले लिया। एंड नेक्स्ट नंबर है टोटल ड्रॉइंग आर गिवन विदाउट पर एनम, जिसमें पर एनम का इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100। अब आता है आपका, यदि अब इसको हम तरीके से समझते हैं, यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन मंथली और क्वार्टरली, यदि वो रेगुलर वे में विड्रॉ कर रहे हैं, हर मंथली विड्रॉ कर रहे हैं या हर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मंथली विड्रॉ कर रहे हैं या क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे, क्वार्टरली विड्रॉ करें, तो सबसे पहले इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, सबसे पहले हम टोटल ड्रॉइंग निकालेंगे। टोटल ड्रॉइंग जैसे मान लीजिए कि पर मंथ यदि 5000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तो 5000 इंटू 12 ये टोटल ड्रॉइंग हो जाएगा, इंटू रेट अपॉन 100 ये हो जाएगा। अब मंथली विड्रॉ में तीन कंडीशन बन जाती है कि बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, कि मिड में विड्रॉ कर रहे हैं, कि एंड में विड्रॉ कर रहे हैं। मिड के लिए हम 6/12 लेते हैं, एंड ये मंथली विड्रॉ है, यानी एक एक महीने का गैप है, तो एक महीने का एवरेज लेकर के हम बिगनिंग के लिए प्लस कर देते हैं, एंडिंग के लिए माइनस कर देते हैं, यानी बिगनिंग होगा तो 6.5/12, एंडिंग होगा तो 5.5/12, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि बिगनिंग है तो 6.5/12, मिड है तो 6/12 या फिर 5.5/12, ये तीन ही बनेंगे इसमें। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12 इन केस ऑफ बिगनिंग इंटू मिड, तो यानी टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, यदि एंड है तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12, यही। अब क्वार्टरली के केस में जाते हैं, यही चीज इसमें भी, बिगनिंग है, मिडिल है, एंड है, मिड वाला 6/12 हो जाएगा, लेकिन यदि बिगनिंग है तो क्वार्टरली मतलब तीन महीने का गैप, तो तीन महीने के एवरेज में जाएंगे, तो तीन महीने का एवरेज हुआ 1.5, तो 1.5 यहाँ पे हम इधर प्लस करेंगे 7.5/12, इधर हो जाएगा 4.5/12। इसमें भी फार्मूला आपका सेम ऐसे ही बनेगा, टोटल ड्रॉइंग जितनी उन्होंने टोटल ड्रॉ किया है, ये कैसे निकालेंगे, यदि 5000 रुपए पर क्वार्टर है तो 5000 इंटू 4, क्योंकि एक वर्ष में चार क्वार्टर होते हैं, इंटू रेट अपॉन 100, और इसके बाद इन तीनों में से जो केस हो वो लगाएंगे, यदि बिगनिंग है तो 7.5/12, मिड है तो 6/12, एंड है तो 4.5/12। एक चीज और था, ये जो मंथली विड्रॉ था इसको हम थोड़ा सा फिर से समझते हैं। यदि मंथली विड्रॉ है इसके दो केस हो गए, फुल ईयर एंड हाफ ईयर। फुल ईयर एंड हाफ ईयर, फुल ईयर है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग क्या होगा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, अब इसमें बिगनिंग है, मिडिल है, एंड है, मिडिल के लिए 6/12 एंड बिगनिंग के लिए 6.5/12 एंड के लिए 5.5/12, तो इन तीनों में से एक ले आएंगे। यही हाफ ईयर है,
मतलब रेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं मंथली, लेकिन हाफ ईयर तक वही चीज हम पहले टोटल ड्रॉइंग ले आएंगे। टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100। अब ये बिगनिंग है, मिडिल है, एंड है। यहाँ पे मिड में 3/12 होगा क्योंकि टोटल महीने हमारे 6 हो रहे हैं। 6 का एवरेज कितना हुआ 3, और मिडिल का हो जाए बिगनिंग का होगा 3.5, इसका होगा 2.5। इनमें से कोई एक केस जो आपका क्वेश्चन में डिपेंड करता। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कितने केस बनाए? 4 केस। पहला, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट पे। यहाँ हम दो मेथड से निकालते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू जितने मंथ हो रहे हैं, मंथ अपॉन 12। जितनी भी ड्रॉइंग है, यदि एक वर्ष में 5 बार ड्रॉ कर रहे हैं तो 5 बार का हम ऐसे निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे, ये कहलाएगा उस पर्सन के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट यहाँ कैसे निकलता है, ये वेटेज मेथड वाले फार्मूले पे जाना है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसी क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट नंबर आता है कि टोटल ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहे हैं विदाउट डेट गिवन नहीं है, एंड रेट जो है वो पर एनम का दिया हो, तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। यानी पर एनम का रेट यानी पूरे साल का लेना है, हमें किस डेट पे विड्रॉ किया गया ये नहीं पता है, तो हमने एवरेज ले लिया पूरे 12 महीने का एवरेज, यानी 6/12। दूसरा केस था, टोटल ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहे हैं डेट गिवन नहीं है और रेट जो है पर एनम का नहीं दिया है, रेट में पर एनम मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या लगाओगे, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 6/12 या कुछ भी नहीं लगाएंगे, इंटू जो रेट होगा अपॉन 100, बस इतना, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100। नेक्स्ट नंबर आता है, इक्वल विड्रॉ कर रहे हैं मंथली या क्वार्टरली। यदि मंथली विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके दो केस होंगे, मंथली पूरे साल तक, मंथली 6 महीने तक। वही चीज, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100। अब मंथली में बिगनिंग है, मिडिल है, एंड है। बिगनिंग मिडिल होगा तो उसे हम 6/12 लेंगे, क्योंकि मिड मतलब बीच का, बीच के लिए हम पूरे वर्ष का एवरेज ले लिया, 6/12 हो गया। लेकिन यदि बिगनिंग जाना है तो ये डिफरेंट जो है इनकी क्लास इंटरवल की क्या डिफरेंस है, एक एक महीने का डिफरेंस है, तो एक महीने का एवरेज ले लिया 0.5, बिगनिंग के लिए 6.5, यानी 6 में 0.5 प्लस हो गया 6.5.12, एंड में वही 0.5 जाके माइनस हो गया 5.5.12। तो इन तीनों में से जो केस होगा वो लगाएंगे यहाँ पे, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100, फिर इन तीनों में से जो केस होगा वो लगाएंगे। लेकिन यही हाफ ईयर का है तो पहले हम टोटल ड्रॉइंग निकालेंगे इनटू रेट अपॉन 100, और हाफ ईयर में जाएंगे तो बिगनिंग, मिडिल, एंड। मिडिल में यहाँ पे टोटल मंथ कितने, 6 का हाफ कितना हुआ 3, तो मिडिल में हो जाएगा 3/12। वही चीज, एक महीने का इसमें भी गैप है, तो यानी 0.5 होगा एवरेज, तो बिगनिंग के लिए 0.5 प्लस हो जाएगा, एंड के लिए 0.5 माइनस हो जाएगा, यानी 3.5/12 या 2.5/12। तो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100, और फिर जो केस गिवन हो वो केस। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के फार्मूलों को कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी समझाया। अब इसके बाद हम इनको एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।